शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अपना 5वां आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद में जैसे ही आम बजट के प्रावधानों का उल्लेख करते जा रहे थे, गोरखपुर क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया उसी तरह गोरखपुर न्यूज से अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए बताया कि मध्य वर्ग को 5 लाख तक आयकर में छूट का ऐलान, पीएम किसान योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले छोटे किसानों को 6,000 सालाना खाते में सीधा दिया जाएगा, जो 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। इस पर भाजपा पदाधिकारी और विशेषज्ञों ने बताया कि ये बजट ऐतिहासिक और सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व मध्य वर्ग के लोगों ने इस बजट को सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से बताया। उन्होंने कहा कि इसमें ना तो कॉर्पोरेटिव सेक्टर के लिए कुछ है और न ही नौजवानों की रोजगार के सवाल पर कुछ कहा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, सीए विवेक कौशल त्रिपाठी, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी, पूर्व गोरखपुर विश्वविद्यालय के डीन व विभागाध्यक्ष वाणिज्य संकाय प्रोफेसर गोपीनाथ, व्यापारी नेता व प्रतिष्ठित व्यापारी प्रमोद टेकड़ीवार और भाजपा महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, बजट पूरे तौर पर चुनावी बजट है। इसमें जो बातें कही गई हैं 10 वर्षों में पूरा करने के लिए कही गई हैं कि आगामी 10 वर्षों की योजनाएं इसमें दिखाई गई हैं। पूरे तौर पर उसी तरह से जुमला है जैसे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात कही गई थी शुरुआत में, और 15-15 लाख रुपए देने के लिए कहे गए थे, उसी तरह से ये पूरे तौर पर जुमला है। किसानों के लिए जो कहा गया है, तो किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको अगर ये सरकार लागू कर देती तो किसानों का भला हो गया होता, लेकिन किसानों के लिए भी जो इसमें बजट में है वो उसका कोई मतलब नहीं, केवल चुनावी जुमला है और पूरा होने वाला नहीं है। विवेक कौशल त्रिपाठी सर, देखिए आम बजट में तो पहले मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई और जो सल्ली में 5 लाख तक की छूट दी गई है, वास्तव में वो देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में छूट मिली है कि नहीं मिली है, क्योंकि 5 लाख तक जो छूट दिया गया है वो एग्जाम डिडक्शन के रूप में दिया गया है। सेक्शन 87 की छूट मिली है जो केवल 5 लाख तक के जो इनकम SSC हैं उन्हीं को फ़ायदा करेगा, उसके ऊपर जो जाएंगे उनको फ़ायदा नहीं करेगा। कुछ इन्होंने EPF में चेंजेस किए हैं, जैसे 21,000 तक जो सैलरी एम्प्लॉई हैं उनको EPF का कटक कंपलसरी हो गया है, और जो EPF के एम्प्लॉइज़ हैं उनको 6 लाख तक का बीमा कवर दिया जा रहा है, वो एक अच्छी स्कीम आई है। जो ग्रेचुटी की स्कीम है वो 10 से 20 हो गई है, वो भी एक अच्छी स्कीम है। किसानों को जो योजना दी जा रही है जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र वाली है वो भी एक अच्छी स्कीम कही जाएगी। तो बजट एक तरह से एंटरिम बजट ही माना जाए इसको, फुल एंड फाइनल बजट नहीं है ये। अरुण कुमार अग्रहरी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। ये आम बजट पूरी तरह जो है चुनावी बजट है। पहली बात तो इनको पूर्णकालिक बजट पेश नहीं करना चाहिए, 2 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव, और पहले के जो उन्होंने बजट पेश किए हैं उसी आधार पे इनका मूल्यांकन किया जाए कि उस बजट में जो जो घोषणाएँ किए वो कितने प्रतिशत पूरा हुआ, चाहे वो गंगा सफाई योजना की हो या 100 स्मार्ट सिटी की हो। उसी तरह इस बजट में किसानों के लिए केवल 6,000 का जो इन्होंने राहत दिया है वर्ष में 500 रुपया प्रति महीना, आप बतलाइए को 500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से जो किसानों की समस्याएं हैं क्या वो दूर हो जाएंगी? इससे अधिक तो स्टेट की गवर्नमेंटें दे रही हैं, तेलंगाना की सरकार 10,000 रुपया सालाना दे रही है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हुआ 2 लाख रुपये तक का कर्जे को माफ़ कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, बेरोजगारों के समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी कदम, जो सबसे ज्वलंत और सबसे बड़ी मुद्दा है देश के लिए, आज बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनके लिए कोई भी जो है प्रावधान नहीं किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई उस तरह का नहीं है, सिर्फ एक लोक लुभावन बजट जो है चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए ये घोषित किया गया है। किसी देश के विकास के 2 स्रोत होते हैं, एक तो सोशल ओवरहेड कैपिटल में विनियोग और दूसरा है डायरेक्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट। तो वर्तमान जो बजट है वो सोशल ओवरहेड कैपिटल की तरफ है। इस ओर बजट का रुख होने के कारण होता है कि अब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का अत्यधिक विकास करेगी, जिसके कारण उद्योग धंधों को लगाने के लिए जो उद्यमी हैं वह स्वतः प्रेरित होंगे। तो यह बजट जो है देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें किसान और पहली बार सरकार ने जो है
जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं उनके पेंशन की व्यवस्था किया है। इसके साथ ही साथ किसानों के लिए अनेक प्रकार के योजनाएं उनको दिया गया है, जिसमें उनको 6000 रुपया प्रतिवर्ष उनको आय इनकम सपोर्ट योजना के अंतर्गत उनको सुविधाएं प्रदान की है। इसके साथ ही साथ जो वेतनभोगी वर्ग है, उस वेतनभोगी वर्ग में खास तौर से जो सामान्य वेतनभोगी वर्ग हैं उनको भी आयकर में राहत प्रदान की गई है, जिससे कि उनकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी और देश का आर्थिक विकास करने में तरक्की प्राप्त होगा। इसके साथ साथ GST में भी कुछ दरों में कटौती की गई है, जिसके फलस्वरूप सरकार के आय में थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन उनका कर का दायरा वो बहुत व्यापक हो जाएगा, जिससे सरकार को अप्रत्यक्ष आय के रूप में अत्यधिक आय प्राप्त होगा और उस आय का प्रयोग सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में वो लगाने में सफल रहेगी। हमारा आशा है कि यह बजट जो है एक कल्याणकारी बजट है, इसको इलेक्शन बजट न करके इसको वेलफेयर बजट कहा जाए तो ज़्यादा न्याय संगत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह एक बार अपना कमेंट था कि यह बजट जो है भारत के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद। प्रमोद कुमार टेकरीवाल। ये बजट पूर्ण रूप से चुनावी बजट है और बजट शुरू में जब हम लोगों ने देखा तो इसमें ये कहा गया कि 5 लाख रुपए तक पे टैक्स छूट है, तो हम लोगों को ये लगा कि ये 5, और तमाम संसद में सांसदों ने भी तालियां बजाई। बाद में जब इसका स्पष्टीकरण आया तो ये पता लगा जिसकी आय 5 लाख रुपए तक है उसको ही टैक्स की छूट दी गई है, जिसकी 5 लाख से ऊपर इनकम है उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, 2.5 लाख से ऊपर जो है जितनी भी टैक्स है वो देना पड़ेगा। तो एक तरह से ये निम्न मध्यम वर्ग को तो राहत दी गई है, मध्यम वर्ग को इससे कोई राहत नहीं मिली। किसी की इनकम अगर 8 लाख है तो उसे पूरा टैक्स देना पड़ रहा है, तो इससे थोड़ी हम लोगों को निराशा हुई है। लेकिन कुल मिला के बजट ठीक था, किसानों का ध्यान रखा गया है, कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं और ये पूर्ण रूप से चुनावी बजट है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे बजट अच्छा आएगा, अच्छा आया, लेकिन बढ़िया होता अगर वित्त मंत्री 5 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन दिए होते, जो हम लोग सोच रहे थे बहुत पहले से। जो है भाजपा कहती है कि चुनाव, ये अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि 5 लाख जो है तक की आय को जो है हम इनकम टैक्स फ्री कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। सिर्फ अभी जो है उन्होंने जिसकी 5 लाख के अंदर या 5 लाख तक आय है उसको टैक्स में छूट दिया है, और जिसकी 6 लाख 7 लाख 8 लाख इनकम है उसको जो है पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। इससे जो है आदमी जो है अपनी जिसकी 6 लाख 7 लाख है वो अपनी 5 लाख तक ही जो है कोशिश करेगा दिखाएं, कोई अगर उसकी इनकम 5.5 लाख होती है तो उसको उससे ज़्यादा जो है टैक्स दे देना पड़ेगा। तो अच्छा होता कि वित्त मंत्री जी इसमें 5 लाख तक क्लियर टैक्स एग्जम्पशन देते, 5 लाख के बाद टैक्स लगाते तो मध्यम वर्ग को राहत मिलती, जो मध्यम वर्ग करा रहा है इस समय। राहुल श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर। देखिए एक लाइन में यदि इस बजट की हम विशेषताएं और चर्चा करें तो निश्चित तौर पर ये जो अंतरिम बजट है यह भारत की विकास यात्रा का उत्सव है, और जब श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी 26 मई 2014 को तो उन्होंने कहा था पत्रकार मित्रों से कि मेरे सरकार के एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, युवा, बेरोज़गार, व्यापारी सभी होंगे। और आप देखिए 4.5 वर्ष से ऊपर का ये कार्यकाल और जो बजट पेश हुआ है निश्चित तौर पे बहुत सारी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हम लोगों को बधाइयां मिल रही हैं। यह देश की विकास, जैसे भारतीय जनता पार्टी यह विकास की जो यात्रा प्रारंभ की है वह हम कहते हैं कि हम सरकार नहीं बनाने के लिए आए हैं, हम देश बनाने के लिए आए हैं। आप देखिए बजट की हम चर्चा करें तो यह सामान्यतः जो मध्यम वर्गीय लोग हैं यह इतने प्रसन्न हैं कि 2.5 लाख रुपए से स्लैब को बढ़ा करके 5 लाख किया गया, और 5 लाख ही नहीं उसके अलावा 1.5 लाख रुपए की बचत आप कर सकते हैं ATCC के अंतर्गत, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 40,000 था उसको 50,000 कर दिया, यानी लगभग 7 लाख तक का, यानी 5 लाख तक कुछ नहीं देना है, 1.5 लाख फिर और दो, यानी 7 लाख तक का लोगों को रिलैक्सेशन मिला हुआ है। उसके बाद से किसानों के लिए इतना बड़ा कुछ सोच भी नहीं सकता था कि इतना अच्छा तोहफा मिलेगा। 6,000 रुपया यानी सालाना उन्होंने फिक्स किया है, या 2,000 रुपये जल्द ही
किसानों के खातों में जाने वाला है। उसके बाद व्यापारी भी है, जीएसटी से भी अभी आपने देखा है कि 40 लाख रुपए तक जिसका व्यापार है उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी पेंशन का स्कीम लेकर के आए हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि हम इस बजट की चर्चा करें तो निश्चित तौर पर यह देश को आगे बढ़ाने वाला है और देश निश्चित तौर पर आगे बढ़ चुका है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम आज पाँचवें नंबर पर आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से अपने श्रद्धेय मोदी जी को और वित्त मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ल जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर पे इस जो ये बजट है और जो विकास की यात्रा है 2019 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्रद्धेय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।